स्पाइसी गोवा। और ये देखो यहाँ पर पूरा मिर्ची मिर्ची सब लगा है, अंदर भी मिर्ची डाला है और यहाँ पर भी ये मिर्ची खा रहे हैं। आज क्या इसका मूड है मिर्ची खाने के लिए पता नहीं है। प्रॉन कैसा है? मस्त नहीं? स्लो स्लो स्लो। हाँ खाली धीरे धीरे पानी पीबे। अलग अलग आवाज मैंने आए। गाइस ये वाला जो व्लॉग है लास्ट जहाँ पे मैंने खत्म किया था वहीं से शुरू कर रही हूँ। एक्चुअली वो वाला जो हम लोग घर गए थे ना पिंकू के एक फ्रेंड के लिए देखने के लिए, एक्चुअली उसी के पास ही एक अपार्टमेंट था जब हम लोग मतलब ये वाले घर अभी जहाँ पे फिलहाल रह रहे हैं वहाँ पे शिफ्ट होने वाले थे ना, तो हमने ये वाला घर देखा था। बट उसका क्या था कि इंटीरियर का कुछ कुछ काम चल रहा था, ख़त्म नहीं हुआ था बहुत सारे फ्लैट पे, एंड वही मैं देखने आई थी कि अभी यहाँ पे कुछ फ्लैट है कि नहीं, क्योंकि मुझे ये वाला जो सोसाइटी है ना छोटा सा है बट मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका जो लाइक स्ट्रक्चर वगैरह एंड छोटा सा है, बट हाँ जो बेसिक्स एमिनिटीज जिम वगैरह वो सब कुछ है तो वही देखने आए थे। बट यहाँ पे कोई फ्लैट फिलहाल अवेलेबल है ही नहीं, ऑलरेडी सब रेंट पे लग गया है तो वही। एंड अभी निकल के हम लोग जाते हैं, देखेंगे कहीं थोड़ा सा जाएंगे घूमने के लिए, एंड देखते हैं कुछ होगा तो कुछ चटपटा यम्मी सा खाना लाइक कहीं पे स्ट्रीट फूड या फिर कहीं आगे थोड़ा सा जाएंगे तो लेट्स सी। और गाइस निकल आए हम लोग एंड सामने पे आप थोड़ा ये व्यू तो देखो, मतलब ऐसा लग रहा है कि हिल स्टेशन पे आ गए हैं एंड ये पहाड़ है बट कुछ नहीं है बादल है, मतलब ऐसा लग रहा है कि दूर पे कहीं जाओगे तो अभी आपको मिल जाएगा हिल स्टेशन, ऐसा लग रहा है कि दूर से। हाँ मस्त लग रहा है यार, जबरदस्त लग रहा है। सभी घूमते घूमते हम लोग का सडनली पुलिस के आगे सडनली ये प्लान बना कि पिंकू का मन हुआ चलो कहीं थोड़ा सा बैठ के एंजॉय करते हैं, इसलिए पास में यहाँ पे एक हमने पब देखा है तो वहीं पे जा रहे हैं। मतलब उतना मुझे कुछ खास जगह पर जाने का मन नहीं था, मैंने बोला पिंकू देखो मैं ऐसे ही मतलब रेडी जस्ट होके टॉप डाल के जींस डाल के आ गए हूँ, अच्छे से जाएंगे किसी और दिन, वैसे भी आगे मेरा बर्थडे आ रहा है तो तब चलेंगे। मैंने भी बोला यहीं पे पास में देखो कुछ आसपास जो अच्छा होगा तो वहीं जा रहे हैं। पास में एक देखा है, लेट्स सी उसका पता नहीं एम्बियंस वगैरह जाने के, मतलब अच्छा तो वैसे फोटो से तो सब अच्छा तो लगता है बट जाने के बाद देखते हैं सामने। आज क्या है कि आज मतलब टाइम भी ऐसा है कि वीकेंड है ना एग्जैक्टली, तो उसमें क्या होता है टेबल बहुत अच्छे रेस्टोरेंट पे तो मिलेगा भी नहीं, आज मुझे जाने का मन भी नहीं था। अच्छे जगह जाओगे तो अच्छे से रेडी होके भी जाना चाहिए ना, आज ऐसे मैं हूँ झल्ली टाइप का तो कहीं जैसे जाते जाते ऐसे ही मन किया कि चलो आज बैठे। हाँ, मतलब सोम्या बोल रहे थे यहीं से पास में कुछ खा लेते हैं, भूख लग रहा है, मैं बोला आए हैं तो ये एरिया में है, बोले वही तो खा रहे हैं यहीं पे खा रहे हैं पर चलो आज कहीं अच्छा जगह जाते हैं, थोड़ा पब वगैरह चले जाते हैं, थोड़ा हो जाएगा एंजॉयमेंट हो जाएगा। ऐसे तो हम लोग मतलब वैसे प्लानिंग करके नहीं हो पाता है, नहीं कभी नहीं हो पाता है, मतलब बहुत रेयरली किसी के बर्थडे पे या एनिवर्सरी पर लास्ट गए थे फिर वो जो है ना वो ज्यादा ब्लैक पल है वही भैया बोल रहा था ना उस दिन, ओके इसी के पास ही है ना, अभी पास में ही होगा यहीं पे, ये एरिया पूरा अच्छा है ना पब पब के लिए। इंदिरा नगर तो मस्त है और मोहला और इंदिरा नगर राइट। तो फाइनली पहुंच गए हैं, लेट्स सी पब्लिक पब्लिक एंट्री कहां पर है, पब्लिक नीचे है ना। अच्छा ये थोड़ा मेरे को ये फील दे रहा है, पता है क्या मतलब, वहाँ पर जो रेडिसन होटल था हैदराबाद में उसके नीचे एक बेसमेंट में अच्छा खासा बनाया था ढाबा टाइप का, ठीक है मस्त लग रहा था लेकिन इसलिए मैं सोचा चलो पब्लिक का देख लेते हैं। वेदर अभी ना क्या मस्त हुआ है, ठंड ठंड से हवा आ रहा है, ये अच्छा खासा क्राउड है यार। हाँ तो वीकेंड है ना रहेगा भी क्राउड तो रहेगा, पब्लिक लिखा है इसके अंदर घुस जाएगा। ओके उधर चलो चलो आगे आगे, हाँ स्ट्रेट Right. तो पहुंच गए, लेट्स सी अंदर जाके देखते हैं एम्बियंस वगैरह कैसा है, मतलब एम्बियंस तो मतलब चलेगा ठीक ठाक भी होगा तो चल जाएगा बट खाना अच्छा होना चाहिए एंड लेट्स सी टेबल मिलता है या नहीं, क्योंकि हमने बुकिंग तो करके हम आ गए हैं बट हमारा जो टाइमिंग था मतलब एक घंटे के बाद था 8 बजे का और अभी हम 7 बजे आके यहाँ पर पहुँच गए हैं तो देखते हैं अभी आई थिंक मिल जाएगा क्योंकि खाली है बहुत सारा। Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get
second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. They're like everything that has a cherry on top. Get on my list of the things I love, love, love. You could be the one I trust. All the second chances, they are nothing for us. I like it all with the cherry on top. Be one of the things I love. We don't have to move so fast. Baby, I will show you how you can catch my vibe. And right away, I saw much time looping in the blurry lights. ये देखो सोम्या को क्या कर रही है, क्रिस्पी कॉर्न को पापड़ के ऊपर डाल के खा रही है। कैसा लग रहा है टेस्ट? स्पाइसी गोवा। और ये देखो यहाँ पर पूरा मिर्ची मिर्ची सब लगा है, अंदर भी मिर्ची डाला है और यहाँ पर भी ये मिर्ची खा रही है। आज क्या इसका मूड है मिर्ची खाने के लिए पता नहीं है। तो हो गया सब कुछ स्टार्टर वार्टर खाना। अभी मेन कोर्स ऑर्डर कर लिया हम लोगों ने। एक्चुअली सिंपल सा ही ले रहे हैं मेन कोर्स पे, जीरा राइस, दाल फ्राई एंड मशरूम का कुछ, क्योंकि ना स्टार्टर पे बहुत कुछ खा लिया हम लोगों ने ऑलरेडी, चिकन, फिश, प्रॉन, सब कुछ, क्रिस्पी कॉर्न, वही सब। इसीलिए और सोचा कि हम लोग लाइक मेन कोर्स लाइक सिंपल ही खाते हैं। और 7 बजे आए थे हम लोग, अभी 9 बज रहा है एंड पिंकू को मन था कि थोड़ा टाइम और भी बैठेंगे, बट मैंने बोला चलो, पता नहीं क्यों मुझे आज बहुत जल्दी नींद से आ रहा है, तो मैंने बोला चलो मेन कोर्स जो है ऑर्डर कर लेते हैं, फिर खा के घर निकलते हैं। यहाँ पे इतना लाउड म्यूजिक है ना, तो मैं ज्यादा लाइक शूट भी नहीं कर पा रही हूँ। सिंपल खाना, इतना सारा चटपटा खाने के बाद पूरा सिंपल सा खाना, और यहाँ पर बहुत जोर से। फाइनली गाइस हो गया एंड हम लोग वापस आ गए एंड अभी इतना जबरदस्त मुझे नींद आ रहा है ना लिटरली। पिंकू को और भी मन था कि वो बैठेंगे, बोला नहीं चलो चलते, नींद आ रहा है। खाना अच्छा था, एमएनस भी लाइक ओके था, इतना लाइक वाव नहीं था बट अच्छा लगा, बजट फ्रेंडली था काफी ज्यादा। तो वही एंड गाइस आज है नेक्स्ट डे एंड लंच बना रही हूँ। एंड सुबह पे ना मतलब आज हम लोगों ने सिंपल सा कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खा लिया था, तो वही। एंड अभी लंच पे आज वैसे तो प्लान तो था कि मटन बनाऊंगी, बट पिंकू के चलते सब फ्लॉप हो गया, इसीलिए सुबह उठ के मैं गुस्सा भी कर रही थी उनके ऊपर, क्योंकि कब से मतलब एक महीना से ऊपर तो हो गया हम लोग खाए नहीं है, बट 2-3 लाइक संडे हो गया ना हम लोग प्लान कर रहे थे कि खाएंगे मटन, बट नहीं हो पा रहा है। तो आज भी नहीं हो पाया क्योंकि कल रात को इतना सब कुछ खा लिया था, और ऊपर से अभी जानबूझ के अगर खा लेंगे ना मतलब मटन फिर से, ऑब्वियसली इतना नॉनवेज वगैरह खाना अच्छा तो है नहीं, तो इसीलिए छोड़ दिया आज ये वीक। देखते हैं नेक्स्ट वीक पे क्या हो रहा है। तो आज इसलिए सिंपल सा लाइक सिजवान राइस बना लूँगी, एंड जो भी सब्जी वगैरह था सब थोड़ा थोड़ा चॉप कर लिया है, एंड बस इसको थोड़ा सा फ्राई कर ले रही हूँ पहले। और यहाँ पे मैंने राइस जो है ना नॉर्मली राइस, वैसे वो वाला बासमती वाला नहीं यूज़ कर रही हूँ, ऐसा जो नॉर्मल राइस मिलता है यहाँ पे, तो वही उसको मैं लाइक थोड़ा सा जस्ट ज़्यादा मैंने उसको कुक नहीं किया है, थोड़ा सा कुक करके उसको निकाल लिया है, ऐसे रख लिया है पानी अच्छे से जैसे ड्रेन आउट हो जाए। फिर यहाँ पे जो मैंने लाइक जो सब्जी वगैरह फ्राई कर लिया था ना, एक्चुअली मैं भूल गई थी उसमें पहले से लहसुन डालना, मतलब गार्लिक डालना, अभी उसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है फ्राई हो जाएगा। एंड बस ज़्यादा कुछ नहीं, अभी इसमें ये थोड़ा सा अच्छे से फ्राई हो जाएगा, फिर इसमें जो सिजवान जो सॉस रहता है, या फिर आपके पास जो चिंग चाइनीज़ का भी वो भी मिलता है, बट मेरा पास लाइक वो सिजवान वाला जो है ना चटनी वो रहता है वो ऐड कर दूँगी, एंड राइस ऐड कर दूँगी, फिर सोया सॉस वगैरह थोड़ा सा लाइक नमक वगैरह टेस्ट के हिसाब से, वैसे ही सिंपल सा बना रही हूँ। तो वही एंड ऐसे अच्छा भी लगता है, तो अभी लाइक अगर कभी आपने ट्राई नहीं किया है तो ट्राई करना डेफिनेटली। गाइस सो कल के बाद सीधा मैं आज नेक्स्ट डे संडे इवनिंग पे मिल रही हूँ आप लोगों को, एंड अभी जो है हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा भैया के घर। एक्चुअली हमारा जो मतलब वैसे तो जा ही रहे हैं, हमारा साथ में जो मूडी है ना जो पॉप राइस वो ओडिशा से आया हुआ था, बट हम लोगों ने लाया नहीं था। मेरे को लगा कि हमारा साथ मूडी भी जा रहा है। नहीं नहीं मूडी नहीं जा रहा है, मूडी है ही नहीं घर में, हमारा खत्म हो गया, तो हमने एक्चुअली खत्म कब से हो गया था, बट हमारे पास जो मतलब बैग जो है ना हम हमेशा लाना ही भूल जाते हैं, तो जब भी आते हैं भूल ही जाते हैं। आज नहीं बोलते उसको, बोलते बुरा व्हाटएवर, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा हम ऐसे ले ही ला सकते हैं, पूरा ठूस ठूस के भर भर के लाएंगे इतना सारा, तो इसीलिए वो बड़ा सा वो जो उसका है ना, तो जो भी हो लेकिन कल के खाने के बाद सोम्या मतलब पूरा थक गई थी खा खा के, इसलिए सुबह से ब्लॉग नहीं कर रही थी, मैं बोल बोल के थक
गया कि ब्लॉग करो सुबह से, लेकिन ब्लॉग नहीं कर रही थी अभी, कुछ काम पे बिजी भी थी मैं थोड़ा सा, थोड़ा मतलब उस काम में, वो सब काम में बिजी भी थी। एंड लिटरली कल रात को घर आने के बाद ना मुझे ऐसे लगा कि मुझे बुखार फीवर आ रहा है, क्योंकि इतना ठंड हवा था बाहर पे एंड कोई प्लान ही नहीं था। अगर प्लान होता तो पहले से मैं जैकेट वगैरह लेके जाती, बट मेरा प्लान था वैसे थोड़ा सा घूमते, घर तो देखने जा रहे हैं, उसका घर देख के थोड़ा सा कहीं होगा तो कार पे बैठ के स्ट्रीट फूड वगैरह खा के हम जैसे यूजुअली हमेशा करते हैं वैसे करके आ जाएंगे। बट वहां पे बैठोगे कहीं पे भी ना आप, वैसे ओपन स्पेस पे बहुत ठंड लगा मुझे पूरा, मुझे वैसे रात को लगा कि मुझे फीवर वगैरह आ रहा है। तो इंस्टेंट प्लान जो होता है ना वो मस्त होता है, मस्त होता है। अरे लाइट नहीं दिया था, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कैसे कैसे पता नहीं मेरे को, अभी लोग आपको रोक के ना, मतलब लोग इसलिए हॉर्न भी मार रहे थे, लाइट नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा, लोग मेरे को देख भी रहे हैं, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा लोग क्यों देख रहे हैं मेरे को, मतलब पूरा मतलब घूम के देख रहे हैं, मतलब क्यों देख रहे हैं, शायद तुम ब्लॉगिंग कर रहे हो इसलिए लोग देख रहे हैं, बट अभी मेरे को पता चला कि चलो मैं लाइट नहीं दिया हूँ, यहाँ पर अंधेरे में जब आया मेरे को लाइट नहीं दिख रहा है, क्या हुआ, लाइट नहीं दिया, भगवान भगवान मैं इतना दूर चला आया बिना लाइट का, सोचो देखो कितना दिमाग है मेरे पति में, देखो जरा देखो इस इंसान को देखो कितना ड्राइविंग स्किल देखो, विदाउट लाइट में मैं आ गया इतना दूर, वो बोलो दिमाग नहीं, ड्राइविंग स्किल देखो, कुछ भी तो वही हैंड कुछ लेते हुए चलेंगे ना, बोल लेते आप कुछ लेते हुए चलेंगे, जैसे हम लोग जा रहे हैं गेस्ट कुछ लेते हुए चलेंगे, खुद भी खाएंगे, हाँ, वही बोलो ना, खुद खाने के लिए कुछ लेके चलते हैं, कुछ लेते हुए चलेंगे, और कैसा हो सकता है, मतलब खुद के लिए लेके जाए और किसी के लिए नहीं है, कैसे फालतू भाई तो बदतमीजी हो गया कैसा, तो वही कुछ लेके जाएंगे जो खुद भी खा सकते हैं वो लोग भी खा सकते हैं, वैसा रियू के लिए क्या लेंगे सोच रहा हूँ, वो क्या उसका किंडो जो है किटकैट जो उसका फेवरेट है वो उससे सोया स्टिक, सोया स्टिक, बट वो पता नहीं वो मिलेगा या नहीं यहाँ पे। और पिंकू को देखो क्या क्या सब मसाला पूरी लाए, फिर उनको क्या मन हुआ जाके जलेबी लाए, क्या क्या मन हो रहा आपको, जलेबी भी थोड़ा ले आया और क्या, भगवान ये रुको रुको इतना गर्म है ए भगवान, रुको नीचे रख दो ना पीछे, यहाँ पे पीछे रखने से गिर जाएगा, वहीं नीचे रख दो ना, नहीं, 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 नहीं पीछे रखो, अब यहाँ पे नीचे 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 पूरा नीचे पेपर के ऊपर रखो, साफ तो है ऐसे, यहाँ पेपर तो डला है। एलेक्सा जाने मेरे जाने मन, अलेक्सा प्ले जाने मेरे जाने मन, अरे 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 ओके साउंड, इन दोनों को देखो कहाँ पे चढ़ के क्या कर रहे हैं नहीं, स्लो स्लो स्लो, हाँ खाली सु खाली सु, तुम्हें कड़े हो तुम्हें सेठ चुपचाप से बस, तुम्हें सेठ चुपचाप से बसव, तुम्हें क्या उठब नहीं, पा पा आसल ना, दुई मिनट पा पीब, बापा है ना धीरे धीरे पा पीबे, हाँ पीबे, पानी भलो लागुनी इना पापा पापा को डाकिबे ना, रियांग सेठ आदो उठबनी एना मु रागी भी नने, चुपचाप से पानी पियो जल्दी पानी पियो, हाँ रियांग पानी पी दो चुपचाप से, वाच किणी के आनली किणी आनली काकी किण देला, मो वाच भांगी जाइए काकी गोटे नुआ वाच किण देला, अलग अलग वाच पहने आए, स्लो स्लो पानी स्लो स्लो पानी स्लो स्लो पानी पियो, तुम्हारा वाच कहाँ गया, कहाँ है, कहाँ पर है, कहाँ पर, ये वाला वाच नहीं ये तो क्लॉक है, वाच कहाँ है, एटा बहुत सुंदर देखा जाउची, कोड़े जाउचो कोड़े आप क्या बोलते हो, बोल दो जरा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक करो, अच्छा लाइक करो, लाइक करो उसके बाद ल
लाइक करो, लाइक शेयर है, जोर से बोलो, कितना जोर चिल्ला रहे थे आप अभी। बोल दो लाइक इधर बोल दो, लाइक से व्हाट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अभी बोल रहा था सब्सक्राइब। तो बस कही चलो साथ ही जो व्लॉग है यहीं पे एंड करती हूँ, एंड देख सकते हो आप मतलब रियांस की मस्ती तो मतलब चल ही रहा है, एंड हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं उसके साथ ना, कभी कभी वो ऐसा हरकत करता है ना कि मतलब हंसते हंसते आपका पैर दुख जाए। तो या एंड आप लोग भी कमेंट करना साथ में आप लोग को ये व्लॉग कैसा लगा, एंड व्लॉगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब पर नए हो प्लेयर विजिट कर रहे हो देन मैक श्योर गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज, बाय। बचपन का ओके एक साथ में 1 2 3 स्टार्ट। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, मेरा प्यार है मुझे और नहीं आता है। ओके मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जाने मेरी जाने मन, ऐसा कैसा गाएंगे यार मुझे समझ नहीं। ओ डीजे, ओ भगवान, हाँ नहीं नहीं बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है कि डीजे का जैसा होगा, तब ने जूर गाओ, मामू को ले एम्प्टी कम दे, बोल रहा है डीजे का जैसा हो रहा है।